ये कोई वक्त टोंट मारने का नहीं है, ये कोई समय कंट्रोवर्सी क्रिएट करने का नहीं है। अभी आपके नानी का काम भी नहीं हुआ और अभी 3 दिन पहले आप उन्हीं नानी को याद करके रो रही थी, तो कम से कम नानी के नाते ही आप इस वक्त तो चुप हो जाती, उनका काम तो ढंग से होने देती। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूँ ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें एंड यस कॉमेंट सेक्शन में अपने अपने कॉमेंट्स ज़रूर करें, अपना अपना नज़रिया ज़रूर शेयर करें। तो मैंने आज मॉर्निंग में 12 बजे के आसपास वीडियो डाली थी, जिसके बाद बहुत लोगों के कमेंट्स कुछ इस तरीके से आए, मैडम वीडियो बनाने से पहले आप ठीक से रिसर्च नहीं करते, मैडम वीडियो बनाने से कम प्रॉपर R&D तो कर लिया करो। तो दोस्तों, जब व्लॉगर्स अपनी वीडियो शेड्यूल कर सकते हैं तो क्या रिएक्शन वाले अपनी वीडियो शेड्यूल नहीं कर सकते? जो मॉर्निंग में आपको मेरी वीडियो मिली थी वो थी कल रात की शेड्यूल, और मेरा हमेशा से तरीका यही होता है रिएक्शन देने का, मैं पहले दोनों की वीडियोस आने देती हूँ, यानी कि देवरानी का भी जिठानी का भी। मैं किसी एक के वीडियो आने के बाद रिएक्शन नहीं देती हूँ, मैं दोनों की वीडियोस आने देती हूँ, और दोनों की वीडियोस देखने के बाद जब मैं कंपेयर करती हूँ और मैं वहाँ से रिएक्शन के पॉइंट्स उठाती हूँ, ठीक है। तो इसीलिए मैंने शाम तक दोनों के वीडियोस का इंतज़ार किया, चाहे दो दो आने थे चाहे एक एक व्लॉग आने थे, वो आ चुके हैं। तो अब आप सबके लिए उनके लेटेस्ट व्लॉग के बेस पे रिएक्शन मिलेगा, लेकिन रिएक्शन को रिएक्शन की तरह लेना भी सीखा कीजिए, रिएक्शन को पर्सनल मत बनाया कीजिए, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले आया था जेठानी का व्लॉग। जी हाँ, जेठानी का सबसे पहले आया था क्योंकि जेठानी जी कल बीमार हो गई थी, इसीलिए उन्होंने मॉर्निंग में जल्दी उठ के उन्होंने सबसे पहले अपना व्लॉग आज पोस्ट किया। किसी के हेल्थ इश्यूज़ पर मैं बहुत ज़्यादा बात नहीं करूँगी क्योंकि वहाँ पे मैं प्रेजेंट नहीं थी, लेकिन कमेंट सेक्शन में हेल्थ इश्यूज़ के बारे में बहुत बातें उठ रही हैं, और शायद इन्हीं बातों की वजह से जेठानी को खुद आके इस बारे में एक्सप्लेनेशन देनी पड़ी कि मेरी बीमारी को लेकर लोग बहुत ज़्यादा डाउट कर रहे हैं। अब ये डाउट क्यों कर रहे हैं, क्या इन पॉइंट्स पर बात करें? अगर आप लोग ओके हो तो इन पॉइंट्स पे बात कर लेते हैं, आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बात करते रहना, मैं यहाँ पे वीडियो पे बताती हूँ। अब लोगों को डाउट इसीलिए हुआ क्योंकि इन्होंने मॉर्निंग में सबसे पहले अपना वीडियो शुरू करा था बर्तन मांजने से, जहाँ पे इन्होंने बात बताई थी कि इनके पेट में नहीं चेस्ट पे पेन हो रहा है। पूरा कब का व्लॉग था वो? मॉर्निंग का व्लॉग हुआ, पेट में तब से दर्द शुरू हुआ। जब क्या होता है, हमारे पेट में दर्द होता है तो सबसे पहले हमारा ध्यान किस पे जाता है कि यार गैस हो गई होगी, होता है कि नहीं होता? गैस हो गई होगी, या तो हमारे घर में, आजकल सभी के घर में एक मेडिकल किट होती है, एक फर्स्ट एड किट होती है, और गैस वगैरह की जो दवाइयाँ होती हैं ये नॉर्मल सभी घर में पाई जाती हैं। चलो मान लिया कि किसी के घर में नहीं भी अवेलेबल है, जिनके पास नहीं भी है तो गैस के लिए हर इंसान सबसे पहले क्या करता है, घरेलू उपचार करता है, यानी कि होम रेमेडीज़ जाता है, और हमारा किचन पूरा का पूरा होम रेमेडीज़ से ही भरा होता है। कुछ लोग अजवाइन ले लेते हैं, कुछ लोग काले नमक के साथ अजवाइन ले लेते हैं, ये तो बच्चों को पता है, और माँ को तो ज़रूर पता होता है, जो लेडी माँ बन चुकी होती है उन्हें बहुत अच्छे से पता होता है कि गैस रिलीफ के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि छोटे में एक बेबीज़ को बहुत गैस की प्रॉब्लम होती है, और बेबीज़ को गैस की प्रॉब्लम करने के लिए हम अक्सर ये चीज़ें होम रेमेडीज़ इस्तेमाल करते रहते हैं, हींग का पानी बनाना, अजवाइन खाना, अजवाइन भून के पीस के देना, बहुत तरीके हैं। लेकिन इनके सुबह से पेट में दर्द हो रहा था, लेकिन एक बार भी इनके व्लॉग में ये देखने को नहीं मिला कि ये कोई भी होम रेमेडी लेने की कोशिश कर रही हैं। चलो मैं ये बोलूं कि आप मेडिसिंस नहीं ले रहे हो, ठीक है, लेकिन आप कम से कम होम रेमेडी पे तो जाते ही हो, क्योंकि चेस्ट के नीचे पेन होना सिम्टम होता है गैस का, और इन्होंने कुछ नहीं लिया। उसके बाद सुबह से लेकर शाम तक ये डॉक्टर के पास नहीं गई। अगर वो पेन इन्हें सुबह से शाम तक हो रहा था तो इस बीच में डॉक्टर के पास क्यों नहीं गई? क्या इनको नहीं पता था इस बारे में कि इनकी जो सांस है उनका फास्ट है, और वो शाम को अपना फास्ट जो है अर्घ देंगी, सूरज को अर्घ है वो पूजा करेंगी, अच्छे से पता था ना, पहली बार तो घर में पूजा नहीं हो रही थी। तो उसी एग्जैक्ट टाइम पे इनका डॉक्टर के पास जाना कैसे कोइंसिडेंस हो सकता है? ऐसे पॉइंट्स आए हैं मेरे पास, पूरे पूरे इतने बड़े बड़े लोगों ने पूरे चिट्ठे लिख लिख के भेजे हैं कि प्लीज़ मैडम अपनी वीडियो के माध्यम से ये बात बोलना कि कैसे ये कोइंसिडेंस हो सकता है कि सेम पूजा का टाइम और सेम इनका डॉक्टर के पास जाना और वीडियो का प्रॉपर शूट होना। चलो एक बात भी मान लेते हैं कि लोग अक्सर जो है प्रूफ मांगते हैं, या YouTube में बहुत प्रूफ मांगते हैं, और पहले भी इनके डिप्रेशन को लेके भी कुछ मुद्दा उठा था जिसमें भी कमेंट सेक्शन में भी लोग प्रूफ मांग रहे थे, और सब ने बोला था कि भैया प्रूफ मुंह पे मार के फेंक दो, सच हो, अगर आप सच्चे हो तो मार के फेंक दो, 2 मिनट में लोगों का मुंह बंद हो जाएगा, यही बोला था ना।
लेकिन उस समय कोई प्रूफ नहीं आया था, लेकिन अब प्रूफ भी देना है और वीडियो के माध्यम से वो दिखाना भी है। चलो ठीक है, दिखा दिया वीडियो के माध्यम से। कॉन्टिन्यूस कार के अंदर पेट दर्द का वीडियो शूट होता रहा, रूम के अंदर पेट दर्द का वीडियो शूट होता रहा, हॉस्पिटल जाके पूरा वीडियो शूट हुआ। ठीक है, गैस का पेन हो गया होगा और अच्छी बात है, क्विकली आप डॉक्टर के पास चले, क्विकली नहीं गए, खैर आप सुबह से शाम तक का, आपने पूजा के टाइम तक का वेट किया, आप तब गए, पहले नहीं गए आप। लेकिन ऐसा कुछ सीन होना तो पहले चले जाना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर ने हार्ट वगैरह भी चेक किया था ना, इनका ECG वगैरह भी किया था। और आजकल ऐसे बहुत सारे केसेस सुनने को आ रहे हैं, तो अगर कोई भी ऐसा पेन होता है आपका चेस्ट के इर्द गिर्द, तो सुबह से शाम तक का इंतज़ार ना करें, आप जल्दी निकल लें, है ना। तो उस समय पे ये वहाँ पे गई, पूजा ख़त्म होने के बाद ये वापस घर आ गई। इन्हीं के अकॉर्डिंग रिपोर्ट सब कुछ नॉर्मल है, ऐसा कुछ भी नहीं था। डॉक्टर ने बोला कि स्ट्रेस की वजह से, सर में नहीं, स्ट्रेस की वजह से पेट में दर्द हो गया, चेस्ट में दर्द हो गया ड्यू टू स्ट्रेस। ठीक है, अब यहाँ पे वापस आ जाते हैं। थोड़ा सा R&D करने को बोला था ना आप लोगों ने, तो मैं वही कर रही हूँ, आई होप कि माइंड ना कर रहे हो आप लोग। एक महीने से निक्की की तबीयत ख़राब है, उसने अल्ट्रासाउंड का वीडियो डाला था आज से आई थिंक एक हफ्ते पहले, लेकिन उस बंदी ने एक बार भी डॉक्टर के पास जाके अपने आप को एडमिट कराना ज़रूरी नहीं समझा। सब लोग देख रहे हैं कि उसका वेट कितनी तेज़ी से रिड्यूस हो रहा है। एक महीने से वो बोल रही है कि उसके पेट में दर्द हो रहा है। वो सिर्फ बोल रही है, वो अपना घर का कोई भी काम छोड़ के, कोई भी चीज़ छोड़ के अभी तक हॉस्पिटल में नहीं गई, ना ही उसने हॉस्पिटल का ऐसा कुछ ड्रिप वगैरह का काम किया। उसने वो पूरा दर्द अभी तक भी सफ़र कर रही है, और वहाँ से आगे भी वो जो है अपने जो शादी वगैरह है उसमें भी पार्टिसिपेट करने गई है। आंटी जी, चलो निक्की यंग ब्लड है भैया, जवान है, बर्दाश्त कर लिया होगा। आंटी जी जिनको हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं इतने दिन से, जिनकी मम्मी अभी खुद इस दुनिया से गई है और रोज़ उनका घर में BP नापा जा रहा है, वो हॉस्पिटल अभी तक नहीं गई, वो घर पे ही अपने आप को ठीक करने की कोशिश कर रही है। बुरी बस ये बात लगी कि अगर वाकई में प्रॉब्लम थी, हेल्थ इश्यूज थे, टाइम मैनेजमेंट भी एक चीज़ होती है। जब हमारे घर में कोई कार्य कीरज होता है तो हम ये सोचते हैं कि बस पूजा वगैरह निपट जाए, अच्छे से हो जाए, संपन्न हो जाए, उसके बाद हम अपने कुछ काम कर लेंगे। हमें कोई अर्जेंसी भी होती है तो उस समय हम रोक लेते हैं अपने आप को कि 10-15 मिनट की बात है, 10-15 मिनट में पूजा पाठ हो जाएगा, फिर हम अपने काम कर लेंगे। लेकिन एग्जैक्ट पूजा के टाइम पे घर से चले जाना, उसके बाद वापस आ जाना, क्यों? क्योंकि उसके बाद जो नेगेटिविटी मिली वो किसको मिली? वो मिली मम्मी को, यानी कि सास को। बिना इनके अगले दिन के व्लॉग आए हुए, इनके अगले दिन के व्लॉग की बिना अपडेट आए हुए, कल के निक्की के व्लॉग के बेस पे उनकी सास को भर भर के लोगों ने भेदभाव व्रत के दिन उस लेडीज़ को इतना सुना दिया, बिना इस बात का इंतज़ार करे हुए कि आखिर बहू अवेलेबल क्यों नहीं थी। अब तो आप लोगों को पता चल गया ना कि वो क्यों अवेलेबल नहीं थी, क्योंकि वो हॉस्पिटल गई थी। तो उसमें सास की गलती, जिन्होंने कल सास को इतना सुनाया, आपको नहीं लगता कि अब आपको सास को जाके सॉरी बोलना चाहिए? क्योंकि आप लोगों ने एक व्लॉग देख के ये अज्यूम कर लिया कि इनकी सास ने बहू को पूजा में आने से मना कर दिया या उसको पूजा में बुलाया नहीं, लेकिन आपको मॉर्निंग में ये बात पता चल गई ना कि बहू को बुलाया या बुलाना ना, या ऐसा कुछ रीज़न था ही नहीं, बहू तो हॉस्पिटल एडमिट थी उस समय, तो बहू पूजा में कैसे आती? तो जो कल गलतफहमी पाल के सास को जो क्रिटिसाइज कर दिया था, या उनको जो इतना भला बुरा बोल दिया था, आई थिंक उस चीज़ की माफ़ी तो मांगनी बनती है और मांगनी चाहिए। एक व्रत वाले इंसान को आप लोगों ने इतना कल की डेट में इतना कोसा है। उसके बाद आ जाते हैं निक्की की कम्युनिटी पे। एक नॉर्मल सी कम्युनिटी पोस्ट जिसमें एक लड़की, एक घर की बहू, अपने घर की वेल विश के लिए, अपने घर के लोगों के लिए प्रेयर की कम्युनिटी डालती है कि मेरे घर के लोगों के जो प्रॉब्लम्स हमारे घर में चल रही हैं, वो प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा चल रही हैं, सबको हेल्थ इश्यूज़ हो गए, दिख गया ना आपको कि उनको भी हेल्थ इश्यूज़ हो गया, वो भी सफ़र कर रही हैं हेल्थ इश्यूज़ से, जेठानी भी कर रही हैं, सास भी कर रही हैं, घर में नानी इस दुनिया में नहीं रही। तो उन्होंने अपने घर की विश के लिए एक नॉर्मल सी कम्युनिटी पोस्ट करी, जिसमें उन्होंने आप सबसे रिक्वेस्ट करने को बोली कि मेरे घर के लिए, मेरी फैमिली के लिए प्रेयर करो, ताकि हमारा को जो नानी का काम है वो एक इम्पॉर्टेंट काम होता है, शादी ब्याह का कार्यज कोई इम्पॉर्टेंट कार्यज होता है, वो बिना किसी विघ्न के संपन्न हो जाए। अक्सर हम लोग मंदिर में जब कोई चीज़ मांगते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि ये प्रभु हमारा जो कार्य कीरज है उसे बिना किसी विघ्न के, बिना किसी अड़चन के संपन्न करना।
उनका मतलब ये था। लेकिन मैं ये बोलूँगी, इतनी नेगेटिविटी, कितनी नेगेटिविटी की दुकान हो चुकी है जेठानी जी। मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है इनसे, मैं इनको बहुत पसंद करती थी, लेकिन अब जो ये हरकतें कर रही हैं, मुझे अब समझ में आ रहा है कि टोंटबाजी शुरू एक्चुअली कहाँ से होती है। बिकॉज़ मैंने पहले कभी इन लोगों के व्लॉग फॉलो ही नहीं करे, अब फॉलो करने शुरू करे कंट्रोवर्सी के बाद से। जब टोंट मारी गई है वो सिर्फ और सिर्फ जेठानी जी के व्लॉग और टाइटल के माध्यम से टोंट मारी गई है। पहले सुबह इन्होंने एक ऐसा कमेंट पिन कर दिया जिसमें इन्होंने ये दिखाया कि जो पूजा करते हैं वो दिखावा टाइप वाला इन्होंने पहले वो पूरा कमेंट पिन कर दिया। मतलब किसी की पूजा अर्चना पे आप डाउट कर रहे हो, कैसे कर सकते हो आप? किसी की पूजा अर्चना को आप ये बोल रहे हो कि दिखावा कर रहे हैं, उसके बाद वो कमेंट पिन से हट जाता है और कोई दूसरा कमेंट पिन हो जाता है। उसके बाद जो सेकंड व्लॉग आता है वो निक्की की कम्युनिटी पे, वो अर्चन वाला वर्ड, माय गॉड, मतलब कितना नेगेटिव सोच रहे हो आप। ऐसा लग रहा है कि इस समय ना इन्हें पॉजिटिविटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि इनके अंदर सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी भर चुकी है अपनी फैमिली के हर एक बंदे के लिए। वो लोग चाहे इनके लिए कुछ बोलें चाहे ना बोलें, चाहे उनके दिल और दिमाग में इनके बारे में कुछ हो भी ना, लेकिन ये फिर भी उनके व्लॉग की एक एक चीज़, एक एक वर्ड को पकड़ती हैं, उनकी लिखी हुई एक एक वर्ड को पकड़ती है और सोचती हैं कि ये मेरे लिए बोला होगा। सारी दुनिया आपके इर्द गिर्द नहीं घूमती। अगर उनको आपको टारगेट करना होता तो कॉन्ट्रोवर्सी के बाद से उसने बैकआउट कर दिया, ये सबूत है कि उसने अपना कमेंट सेक्शन ही सबसे पहले हेल्प और रिव्यूज़ कर दिया। आपसे रिलेटेड कोई कमेंट उन्होंने रखे ही नहीं, वो आपसे रिलेटेड इतने दिन से कोई बात कर ही नहीं रही हैं, वो अपनी सिंपल घरेलू फैमिली व्लॉगिंग दिखा रही हैं। आपने उस अड़चन वर्ड को ऑडियंस से उनको गाली खिलवाने के लिए, उनको नेगेटिव पोर्ट्रे करवाने के लिए, ऑडियंस के माइंड में ये सीड बीज डालने के लिए वो अड़चन वर्ड पकड़ लिया, ताकि ऑडियंस फिर से आपकी सास को गाली दे और आपकी देवरानी को गाली दे कि आपने मुझे अड़चन बोल दिया। उन्होंने आपको अड़चन नहीं बोला था। जब हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं तो अड़चन और विघ्न वर्ड जैसा हम इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने अपने पूरे परिवार के लिए वो प्रार्थना करी थी, किसी को गलत नहीं बोला था। और अगर वो कोई कार्य कीरज निभाने जा भी रहे हैं तो उसमें आपके पूरे परिवार का नाम आएगा। आपके सास ससुर से आपकी पीढ़ी चलती हुई आ रही है, उसमें आपके पूरे परिवार का नाम आएगा कि इस परिवार के ये लोग यहाँ सम्मानित हुए। या इसका मतलब तो ये नज़र आ रहा है कि या तो आप अपने आप को इस परिवार का हिस्सा नहीं समझते हो, इससे यही पता चल रहा है कि आपने अड़चन वर्ड अपने ऊपर ले लिया और ऑडियंस को मैनिपुलेट कर दिया। इतना बड़ा टाइटल में वो वर्ड लिख के आपने वापस से अपनी सास को और अपनी देवरानी को लोगों के मुंह में छोड़ दिया कि देखो, पहले तो कल हॉस्पिटल वाला, उसके बाद ये अड़चन वाला कि देखो ये मुझे क्या बोल रहे हैं। लेकिन जिनके अंदर दिमाग होगा ना, प्लीज़ आप लोग दोबारा उस कम्युनिटी को पढ़ना और गहराई से सोचना कि उसने इस कम्युनिटी में उनके लिए गलत नहीं बोला है। उसने इस कम्युनिटी में अपने पूरे परिवार के लिए भगवान से प्रार्थना करी है, उनको अड़चन नहीं बोला है। प्लीज़ इस तरीके से गलत फहमी पाल के परिवार के बीच में और दूरियां मत डेवलप करो। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप टॉप टू बॉटम इतने ज़्यादा नेगेटिव कैसे हो गए हो कि आपको हर चीज़ में नेगेटिविटी नज़र आ रही है। बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती है। शाम की पूजा अटेंड नहीं कर पाए, लेकिन सुबह मॉर्निंग की पूजा में सब लोग बैठे थे। थोड़े से आप लोगों ने निक्की के व्लॉग में देख लिया होगा, हालांकि इन्होंने अपने व्लॉग में किसी को नहीं दिखाया। अब इन्होंने अपने व्लॉग में किसी को क्यों नहीं दिखाया, वो इनकी मर्ज़ी थी कि इन्होंने अपने व्लॉग में नहीं दिखाया, लेकिन निक्की के व्लॉग में हमें हल्की हल्की तस्वीरें जो है देखने को मिल गई कि ये पूजा में थे, कॉर्नर में बैठे थे। अरे यार, जिनके घर में पड़ोसी तक पूजा अटेंड करने आ रहे हैं, पड़ोसी को बुलाया था उन्होंने? नहीं बुलाया था ना, वो बिना बुलाए पड़ोसी पूजा अटेंड करने आए ना, देख के आए ना, तो घर की बहुओं को न्योता तो नहीं जाएगा। और वो वहाँ पे बैठी थी, निक्की की वीडियो में देखने को मिला वो वहाँ पे बैठी थी, पर निक्की ने नहीं दिखाया। इसका मतलब ये हो सकता है कि या तो दिखाने से मना कर दिया हो कि भैया तुम हमें मत दिखाओ, हम तुम्हें ना दिखाएं। आजकल बहुत ये चल रहा है, बहुत लोगों की फैमिली व्लॉगिंग में जहाँ ये कलह कलेश चल रहा है, वो लोग यही एक दूसरे को बोल दे रहे हैं कि हमें मत दिखाओ। तो हो सकता है कि उन्होंने दिखाने से मना कर दिया हो, लेकिन फिर भी देख के ये पता चल गया ना कि वो पूजा में सुबह बैठी थी। सास ने अगर सिंदूर निक्की के लगाया तो सास ने सिंदूर कामनी के भी लगाया। इनफैक्ट सास ने पहले सिंदूर कामनी के लगाया। और अगर बारीक चीज़ नोटिस करें तो जिस समय सास जो है वो अर्घ दे रही थी, इनके बेटे गेट के पास खड़े थे, कोई मम्मी के पास आए नहीं। माँ ने व्रत रखा था, बहू के साथ चाहे कुछ भी थी, बेटे का क्या हक बनता है माँ से नाराज़ होने का? कौन सी औलाद अपनी माँ से नाराज़ होती है?
बेटा गेट पे खड़ा था, आया नहीं। उसके बाद आंटी पीछे मुड़ी, पीछे मुड़कर उन्होंने उन्हें बुलाया, तब वो आए और तब उन्होंने लोटे से अपनी मम्मी को जल दिया। तो क्या माँ ने बुलाया? नहीं, माँ ने बुलाया था। इससे ये तो हमें साफ पता चल गया कि माँ को बुलाने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं इन लोगों को आने में प्रॉब्लम है, क्योंकि ये वहाँ बैठी थी, सास ने सिंदूर भी लगाया, दोनों के लगाया, लेकिन वो क्लिप वहाँ से काटी गई। अब वो क्लिप क्यों काटी गई, क्या पता, अलाउ नहीं किया हो कि आगे मत दिखाओ, कुछ भी रीज़न हो सकते हैं, क्योंकि जेठानी ने अपने व्लॉग में किसी को नहीं लिया, उन्होंने किसी को नहीं दिखाया, सिर्फ ये ऑडियंस के दिमाग में डालने के लिए कि मैं अकेली पूजा कर रही हूँ और मेरे को किसी ने बुलाया नहीं। तो यार इनफ ऑफ सिंपथी, कितना ज़्यादा वियर्ड लगता है ये सब चीज़ें। एक फैमिली आपको सब चीज़ें भुला के वापस से अपनाने को तैयार है, एक देवरानी जो अपने पूरे परिवार के लिए लोगों से प्रार्थनाएं मांग रही हैं, क्योंकि क्या होता है ना कि जब हम सब अपनी अपनी पॉजिटिव वाइब्स किसी की फैमिली के लिए भेजते हैं या अपनी साइड से दुआएँ करते हैं, तो बोलते हैं कि दुआओं में बहुत ज़्यादा ताकत होती है, बहुत ज़्यादा, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो। जब आप अपनी साइड से पॉजिटिव वाइब्स किसी के लिए भेजते हो तो पॉजिटिव वाइब कहीं ना कहीं काम करती है, लेकिन जब आप अपनी तरफ से नेगेटिविटी किसी के लिए भेजते हो तो वो नेगेटिविटी भी काम करती है, दोनों चीज़ें काम करती है। इसीलिए बोलते हैं कि हमेशा पॉजिटिव रहो, आप पॉजिटिव रहोगे, आपकी अंतरात्मा पॉजिटिव रहेगी और आपके पॉजिटिव थॉट्स ही आएंगे। लेकिन अब इस अड़चन वाली बात को आप कोई डिनाई नहीं कर सकता कि इन्होंने साफ तौर पे बेमतलब में उनको टोंट मारा, जबकि उनका ऐसा कुछ बोलने का मोटिव था ही नहीं। बार बार सास और देवरानी को गालियां पढ़वाने से क्या, मुझे पता नहीं कि क्या राहत मिलती है या क्या इनर सोल में इतना संतुष्टि मिलती है कि इन्हें बहुत अच्छा लगता है। एक तरफ ये कहती हैं कि मैं अपनी सास को कुछ नहीं बोल रही हूँ, दूसरी तरफ ये हर वो एक्टिविटी उनके अगेंस्ट ही करती है ताकि उनको कहीं ना कहीं से लोग ट्रॉल करना शुरू कर दें। कम से कम उनकी उम्र देखो, वो ट्रॉलिंग बर्दाश्त कर पाएंगी क्या? वो ट्रॉलिंग बर्दाश्त कर पाएंगी? आप लोग यंग ब्लड हो, आप लोग अभी से इस एज में डिप्रेशन के शिकार हो। इस एज में यंग ब्लड जो है एंजाइटी डिप्रेशन के शिकार हैं। वहाँ पे एक बुज़ुर्ग आदमी अगर ट्रॉल हो रहा है, उसे गालियाँ पड़ रही हैं, ठीक है वो नहीं पढ़ना जानता, तो क्या बाकी के सब लोग जो हैं वो नहीं पढ़ना जानते? क्या उन्हें बताने वाले और लोग नहीं होंगे, उनके इर्द गिर्द के लोग नहीं होंगे? क्या आपके नाते रिश्तेदार किसी को आप लोगों के चैनल नहीं पता? सबको आप लोगों के चैनल पता होंगे ना, आपकी फैमिली के चैनल सबको पता होंगे ना। और जब आपके नाते रिश्तेदार आप लोगों के कमेंट सेक्शन पढ़ते होंगे और वहाँ पे देखते होंगे कि एक बहू के चैनल पे सास को इतनी भर भर के गालियाँ पड़ रही हैं, तो सोचो कि वो क्या सोचते होंगे आप लोगों की फैमिली के बारे में, क्या सोचते होंगे वो। तो ये सब चीज़ें हुई जो मुझे अच्छी नहीं लगी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये बहुत बुरी हैं, लेकिन इनके अंदर इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी आ चुकी है कि ये छोटी छोटी बारीक बारीक चीज़ों में भी ये सोच रही हैं कि ये सिर्फ मेरे लिए बोला है। अरे मैडम जी, थोड़ा सा इस भ्रम से बाहर निकलो, दुनिया सिर्फ आपके अराउंड सराउंड नहीं घूमती, ये आप ही का परिवार है, ये आप ही का वही प्यारा परिवार है जो आपको बहू बना के इस घर पे लेके आया था, ये वही परिवार है जिसने आपके हर मुश्किल घड़ी में आपके साथ दिया, और ये वही परिवार आगे भी होगा जो आपकी विपत्ति में, परेशानियों में, दुख तकलीफ़ में आपका साथ देगा, ये वही परिवार होगा। आज चाहे आप कितने मन मुटाव कर लो, लेकिन आपके परिवार में किसी एक को भी तकलीफ़ होगी ना तो सारा परिवार इकट्ठा खड़ा हो जाएगा। इसी को कहते हैं परिवार। इस परिवार की महत्वता को समझो, इमोशन को समझो और इसको जोड़ने की कोशिश करो। हर छोटी चीज़ में अपने लिए नेगेटिविटी मत ढूंढो, हर छोटी चीज़ को अपने ऊपर मत लो कि ये मेरे लिए बोला होगा, वो बिल्कुल आपके लिए नहीं बोला। इससे आप खुद भी नेगेटिव हो रहे हो और आप YouTube के लोगों को भी नेगेटिविटी दे रहे हो, अपनी सास के लिए, अपनी देवरानी के लिए, और वो भी व्रत वाले दिन, एक इतने अच्छे दिन जो इतना अच्छा कंटेंट है उस पर आप अपने घर वालों को गालियाँ पढ़वा रहे हो, तो ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं। उसके अलावा एक और चीज़ देखते हैं, ये हॉस्पिटल गई, अपने साथ बेटे को भी ले गई। चलो ये बीमार थे, ये बीमार थी, ये हॉस्पिटल अपने हस्बैंड के साथ चली गई, लेकिन बेटे को भी पूजा में शामिल क्यों नहीं होने दिया? बेटे को पूजा में शामिल क्यों नहीं होने दिया? वो बेटा तो सारा दिन दादा दादी के पास रहता है, सुबह देखो वो वहीं सोता है, दिन में देखो वहीं खेलता है, अक्सर व्लॉग में वो उनके साथ इतना फ्रेंडली है, वो इतना संभालते हैं उसको, तो वो उस समय बेटे को छोड़ के क्यों नहीं गई, उसको हॉस्पिटल पे साथ लेके क्यों गई? बच्चे का हॉस्पिटल में क्या काम, इतने छोटे बच्चे का हॉस्पिटल में क्या काम?
उसको तो कम से कम पूजा का हिस्सा बनने देते, आपने बच्चे को भी पूजा का हिस्सा नहीं बनने दिया। क्या इस बात का आप लोगों के पास जवाब है? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करने वाले लोगों से मैं यही बोलूँगी कि मैं सच्ची पर्सनली चाहती हूँ कि ये फैमिली एक हो, और अगर इनके माइंड में इतनी नेगेटिविटी आ रही है, आप लोग देखिए, प्यार करना किसी को गलत बात नहीं होती, आप लोग प्यार कर सकते हैं, सबका अपना अपना एक फेवरेटिज्म होता है, किसी की तरफ झुकाव होता है, लेकिन उस प्यार में आप उनको ये भी समझाइए कि आप यहाँ पे गलत कर रहे हो। अब आप खुद मुझे बताओ कि बच्चे को अपने साथ ले जाने की क्या ज़रूरत थी? क्या बच्चा पूजा में शामिल नहीं हो सकता था? हो सकता था ना। तो ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें समझो, और वो जहाँ पे गलत कर रही हैं उनको सही डायरेक्शन दिखाइए। मेरे पे नाराज़ होके या निक्की को गालियाँ देके या उनकी सास को गालियाँ देके आप लोगों को कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ नहीं मिलने वाला। पूछिए क्यों? क्योंकि उन्होंने आप लोगों के साथ कुछ गलत नहीं किया, आप लोगों का उन्होंने कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन फिर भी आप लोग उनको जो गालियाँ दे रहे हो, उनके लिए जो बोल रहे हो, उससे उनको नहीं आपको नुकसान हो रहा है, क्योंकि आप लोग अपने कर्म खराब कर रहे हो। जब सामने वाले ने हमारा नुकसान ही नहीं किया तो हम सामने वाले को क्यों बोल रहे हैं गंदा, क्यों बोल रहे हैं गलत? मेरा काम रिएक्शन देना है। मैं अपने रिएक्शंस भी बहुत सीमा में देती हूँ, बहुत दायरे में देती हूँ। कभी अपने मुंह से कभी कोई अपशब्द नहीं निकालती, किसी के लिए कुछ गलत नहीं बोलती। फुल रिस्पेक्ट के साथ मैं अपना पूरा रिएक्शन ख़त्म करती हूँ, ताकि मैं एक अच्छा मैसेज इन लोगों को दे पाऊँ, इन लोगों को बता पाऊँ कि आप लोग कहाँ पे गलत जा रहे हो और कहाँ पे गलत चीज़ें कर रहे हो। तो प्लीज़ आप लोग भी वही कीजिए, और आप समझने की कोशिश करो कि इस समय सिनेरियो और सीन एक्चुअल में क्या है और दिखाया क्या जा रहा है। तो ये था मेरा आज का एक रिएक्शन, आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अपना नज़रिया, अपना पॉइंट ऑफ व्यू। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।